आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो गर्व से आपका सीना चौड़ा कर देगी। भारत एक के बाद एक बड़े धमाके कर रहा है। भारत ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जो रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरह काम कर सकता है। भारत का ये स्वदेशी सिस्टम S-400 की तरह ही एक हवाई सुरक्षा कवच बना सकता है। भारत ने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का एक वर्जन बना लिया है और दूसरे पर काम शुरू कर दिया है। भारत काफी समय से स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। अब इसी में भारत को दो बड़ी सफलताएं हाथ लगी हैं। भारत स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के दो वर्जन पर काम कर रहा था। पहला है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरा है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आपको जानकर खुशी होगी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कुछ महीने पहले कर लिया गया है। DRDO ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से लगातार दो मिसाइल सफलतापूर्वक दाग दी थी, लेकिन अब भारत ने लंबी दूरी तक मार करने वाले लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पर भी काम शुरू कर दिया है। भारत का स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से रूस के S-400 की तरह ही काम करेगा। भारत के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 400 किलोमीटर तक होगी, ठीक उतनी ही जितनी S-400 की है। भारत का यह सिस्टम दुश्मन के लड़ाकू विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और अटैक ड्रोन्स को 400 किलोमीटर दूर से ही तबाह कर सकता है। गर्व की बात यह है कि भारत का शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज सिस्टम दोनों ही पूरी तरह से स्वदेशी है। ये दोनों डिफेंस सिस्टम पोर्टेबल हैं, यानी इन डिफेंस सिस्टम्स को कहीं भी आराम से ले जाया जा सकता है। इन्हें पहाड़ों, रेगिस्तान और ग्लेशियर्स में भी तैनात किया जा सकता है। यानी भारत के ये दोनों डिफेंस सिस्टम किसी भी वातावरण में चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किए जा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भारत के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 250 मीटर से 6 किलोमीटर तक है, तो वहीं भारत जिस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार कर रहा है उसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है।